Good morning, my dear students. So students, in previous lecture, we have saw about all the notes of play part topics. So previous lecture में हमने जितने भी play part में हमने जितने भी topics cover किए थे वो सब topics का हमने notes देखा था और we have wrote all those notes in our EVS notebook. Okay. Now students, टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ डू पार्ट. तो हमने प्ले पार्ट फिनिश किया, अभी हम डू पार्ट में चालू करने वाले. व्हाट इज मीन बाय डू पार्ट? डू पार्ट है क्या? डू पार्ट यानी जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज करने वाले, जहाँ पे हम खुद करने वाले, उसे ही हम डू कहते हैं. डू यानी ये मैं खुद करने वाली हूँ, उसे ही हम डू कहते. तो ये डू पार्ट में जितने भी एक्टिविटीज है वो हम खुद करने वाले, इसके लिए अभी से हम डू पार्ट चालू करने वाले हैं. डू पार्ट मैं फर्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक है, दैट इज ऑप्शनल एक्टिविटीज. ऑप्शनल एक्टिविटीज यानी अदर्स एक्टिविटीज, जो दूसरे एक्टिविटीज रहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब एक्टिविटीज हम करने वाले हैं. जैसे यहाँ पे पहले हमने क्या किया, हमने खाली नोट्स लर्न किए, हमने खाली लिखने का काम किया और हमने लर्न करने के लिए जो क्वेश्चन हमें पूछा था वो हमने किया था, पर यहाँ पे हमें खुद एक्टिविटीज करनी है. सो यानी ये ऑप्शनल एक्टिविटीज है. यहाँ पे जो ए पार्ट है वो है प्रोडक्टिव एरिया. प्रोडक्टिव एरिया यानी जहाँ पे प्रोडक्ट किया जाता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोडक्ट की जाती है, जैसे प्लांटेशन, पॉट कल्टीवेशन. सो ये सब थिंग्स हम कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, इसे हम प्रोडक्टिव एरिया कहते हैं. तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हम देखने वाले हैं सब प्रोडक्टिव पे ही डिपेंड है. जैसे फ्रूट ये प्रोडक्ट किया जाता है. कैसे? हम पौधे लगाते हैं फिर हमें फ्रूट्स मिलता है. फिर वेजिटेबल्स, यहाँ पे भी वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगाते हैं फिर हमें वेजिटेबल्स मिलता है. उसके बाद पॉट को हम हाथ से बनाते हैं. सो दिस आर ऑल प्रोडक्टिव एरियाज. प्रोडक्टिव एरिया में आज जो देखने वाले, दैट इज एरिया ऑफ फूड. फूड यानी खाना, खाने के बारे में, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. तो ये सब खाने की चीज़ है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं. उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं किचन गार्डनिंग. वॉट इज मीन बाई किचन गार्डनिंग? किचन गार्डनिंग क्या है? So that I will explain. So first kindly open your EVS combined book page number 71. So let's start with it. What is mean by kitchen gardening? Kitchen gardening क्या है? So kitchen gardening यानी जो वस्तु या जो चीज़ हम किचन से किचन में लेके आते वो कहाँ से? गार्डन से. जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल हम कहाँ से लेके आते हैं? गार्डन से. हमें जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स, वो सब हमें गार्डन में मिलते हैं, वो गार्डन से हम किचन में लेके आते हैं. जैसे फ्रूट्स, ये पेड़ पे आते हैं, पेड़ से हम फ्रूट्स निकालते हैं और वो किचन में लेके आते हैं, फिर उसका कुकिंग किया जाता है. सो दिस इज ऑल नोन एज किचन गार्डनिंग, यानी जो किचन में यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे उन्होंने दिया है, अ गार्डन इन विच प्लांट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स फॉर हाउस होल्ड यूज आर कल्टिवेट इज नोन एज किचन गार्डनिंग. तो जो गार्डन में हम प्लांट्स यानी पौधे, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स दैट ओनली सब्जियाँ, फिर हर्ब्स, फ्रूट्स, जो ये सब थिंग्स हम कहाँ पे उगाते हैं? गार्डन में. तो ऑल दिस थिंग्स फॉर हाउस होल्ड यूज़, ये सब हम कहाँ पे? कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हमारे घर में यूज़ करते हैं खाने बनाने के लिए. सो आर कल्टिवेटेड यानी ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? गार्डन में. और ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? किचन में, घर में. सो दिस आर नोन एज किचन गार्डनिंग. उन्होंने यहाँ पे बोला है, अ गार्डन इन विच प्लांट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स फॉर हाउस होल्ड यूज आर कल्टिवेट इज नोन एज किचन गार्डनिंग. तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट इज मीन बाय किचन गार्डनिंग? किचन गार्डनिंग मीन्स अ गार्डन इन विच प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड हर्ब्स फॉर हाउस होल्ड यूज आर कल्टिवेट इज नोन एज किचन गार्डनिंग. सो इसको हम किचन गार्डनिंग कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज मीन बाय किचन गार्डनिंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट किचन गार्डनिंग. Now we will move further.
In your EVS combined book on page number 71, there is a small activity given where you have to visit different places in the neighborhood and observe the different trees and saplings. तो यहाँ पे उन्होंने दो पिक्चर्स दिए. तो एक पिक्चर है जो गार्डन का है जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स सैपलिंग लगाए हुए हैं, और सेकंड पिक्चर एक स्कूल का है उसके सामने गार्डन है. तो आपको वो दोनों पिक्चर ऑब्जर्व करने हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी ट्रीज है, डिफरेंट ट्रीज आपको दिख रहे. सो इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी देयर इज टू बिग ट्रीज, वहाँ पे दो बड़े ट्रीज है. उसके बाद वहाँ पे थ्री बॉक्सेस टाइप्स है, उसके अंदर प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, वो लाइन में है, आपको दिख रहे हैं. यस, हर एक जो बॉक्स है उसमें अलग अलग पौधे लगाए हुए हैं, और जो लास्ट वाला पौधा है वहाँ पे छोटे छोटे क्लाइंबर्स लगाए हुए हैं. फिर वहाँ पे चार सैपलिंग्स लगाए हैं, आपको दिख रहे हैं, एक लाइन जैसा है, रॉड जैसे, वहाँ पे फोर सैपलिंग्स लगाए हुए हैं, और उसके बाजू में वहाँ पे ग्रास है, ग्रीन ग्रास है. तो ये फर्स्ट पिक्चर में हमें ये सब दिखने के लिए मिल रहा है. इन सेकंड पिक्चर वहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल के सामने बच्चे पौधों को पानी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, और पौधों को अच्छी तरीके से सजा रहे हैं, किसमें, पॉट में, वो पौधों को पॉट में लगा रहे हैं. उसके बाद वहाँ पे ग्रास है, ट्री है, फ्लावर्स के पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स, उसको फ्लावर्स आए हैं. फिर एक लड़की मिट्टी डाल रही है, एक लड़का पौधों को अच्छी तरह से लगा रहा है. तो ये सब हमें ये स्कूल सेकंड पिक्चर में जो स्कूल के सामने वाला गार्डन है उसमें दिख रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड एक्टिविटी गिवन, दैट इज सर्कल द वेजिटेबल्स कल्टिवेटेड इन द किचन गार्डन. किचन गार्डन यानी जो आपके गार्डन में जो वेजिटेबल आप कल्टिवेट करते हो उसको आपको सर्कल करना है. तो ऐसा नहीं कि सब जितने भी वेजिटेबल्स है वो सबको सर्कल करना है. उसमें से अगर सब वेजिटेबल्स आपके गार्डन में आप कल्टिवेट कर रहे हो तो आपको सर्कल करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है. तो यहाँ पे उन्होंने कौन से वेजिटेबल्स दिए, पहले हम देखने वाले. फर्स्ट वेजिटेबल इज ब्रिंजल, सेकेंड वेजिटेबल इज चिली दैट इज मिर्ची, फिर थर्ड वाला टमाटर टमेटो, फोर्थ वन इज कैप्सिकम भोपला मिर्ची, देन इट इज अनियन ऑनियन, उसके बाद है लेडी फिंगर भेंडी, उसके बाद है पम्पकिन भोपला, देन कुकुम्बर काकड़ी, देन कोरिएंडर धनिया, देन कैबेज फ्लावर, देन बीन्स. तो ये सब वेजिटेबल्स है. इसमें से कौन सी वेजिटेबल आपके किचन गार्डन में आप लगाते हो. सो द सर्कल द वेजिटेबल कल्टिवेटेड इन किचन गार्डन, कौन सी वेजिटेबल किचन गार्डन में कल्टिवेट की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पे सर्कल करना है. तो यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से करोगे. तो यहाँ पे ब्रिंजल को मैंने सर्कल किया है, उसके बाद चिलीज यानी मिर्ची को मैंने सर्कल किया है, आफ्टरवर्ड्स टमाटर यानी टमाटो को मैंने सर्कल किया है, देन लेडी फिंगर भिंडी को मैंने सर्कल किया है, पम्पकिन भोपला को मैंने सर्कल किया है, उसके बाद कुकुम्बर काकड़ी को मैंने सर्कल किया है, देन धनिया कोरिएंडर लीव्स उसको मैंने सर्कल किया है. तो ये सब चीज़ किचन गार्डन में कल्टिवेट होती है, इसके लिए मैंने इसको सर्कल किया है. तो आप भी अपने पेज नंबर 71 पे ये जो एक्टिविटी है इसको आप करने वाले हैं, तो आप भी सर्कल करने वाले हो. सो दिस यू विल डू इट. ओके, अब पेज नंबर 71 पे लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे एक क्वेश्चन पूछा है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डनिंग. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डनिंग के नाम लिखने हैं, जो आपको मालूम है, जो आपने देखा है वो नाम आप लिख सकते हो. सो नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डनिंग यानी गार्डनिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे कोई गार्डन हर्ब्स के लिए रहता है, कोई गार्डन खाली फूड ग्रेन्स के लिए रहता है, तो कोई गार्डन खाली वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स के लिए. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के गार्डनिंग रहते हैं. यहाँ पर आपको कोई भी दो गार्डनिंग के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने दो लिखा है, वो है वेजिटेबल्स गार्डन एंड फ्रूट्स गार्डन. तो मैंने यहाँ पे दो लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने कौन से लिखे हैं, वेजिटेबल गार्डन फ्रूट्स गार्डन, VEGETABLE
BLES vegetables garden, fruits garden, FRUITS fruits garden, GARDEN garden. So students, this you will complete on your page number 71 of your EVS combined book. Okay, let's turn the page. Now student, on page number 72, they have given us a puzzle where vegetable world search. तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पजल में साइड के पजल के साइड में पिक्चर्स दिए, वो पिक्चर्स को देखना है और वो स्पेलिंग का वर्ड आपको वो पजल में फाइल करना है और उसको सर्कल करना है. जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाने वाली हूँ वैसे ही आपको करना है. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ब्रिंजल, पहला पिक्चर है ब्रिंजल. सो यू विल फाइंड आउट दिस वर्ड ब्रिंजल एंड यू विल सर्कल इट. सो द वर्ड ब्रिंजल इज हियर, यू कैन सी I have circle in blue color at last line, BRINJAL, brinjal. So you have to circle it. Phir second picture hai, peas, PEAS, peas. So yahan pe maine yellow color mein circle kiya hai. You can see there, PEAS, peas, okay. Uske baad hai, radish, radish. RADDISH, radish, जिसको मैंने डार्क ब्लू कलर में सर्कल किया है. यस, radish. आफ्टर दैट potato, potato. सबसे फर्स्ट लाइन में मैंने पर्पल कलर से सर्कल किया है potato. आफ्टर दैट देर इज pumpkin, PUMPKIN, pumpkin. जो मैंने पिंक कलर में सर्कल किया है, यू कैन सी, वेरी गुड. आफ्टर दैट देर इज कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर, जो मैंने लाइट ग्रीन कलर में सर्कल किया है. आफ्टर दैट देर इज बीन्स, BEANS, बीन्स, जिसको मैंने लाइट ब्लू कलर में सर्कल किया है, BEANS, बीन्स. आफ्टर दैट देर इज कैरेट, CARROT, कैरेट, जिसको मैंने रेड कलर में सर्कल किया है. आफ्टर दैट देर इज कैबेज, जिसको मैंने ऑरेंज कलर में सर्कल किया है, CABBAGE, कैबेज. एंड द लास्ट वन इज स्पिनच, SPINACH, जिसको मैंने फिर से लाइट डार्क ऑरेंज कलर में सर्कल किया हुआ है, SPINACH, स्पिनच. सो फिर से मैं वो वर्ड्स रिपीट करने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज ब्रिंजल, सेकेंड वन इज पीस, थर्ड वन इज व्हाट इज थर्ड वन, वेरी गुड, थर्ड वन इज रेडिश, फोर्थ वन इज व्हाट इज फोर्थ वन, वेरी गुड, पटेटो, फिफ्थ वन इज वेरी गुड, पम्पकिन, सिक्स्थ वन इज व्हाट इज सिक्स्थ वन, कुकुम्बर, सेवेंथ वन इज बीन्स, एट वन इज कैरेट, नाइन वन इज व्हाट इज नाइन वन, वेरी गुड, कैबेज, एंड टेंथ वन इज स्पिनच. सो यू विल सर्कल ऑल दोस वर्ड ऑन पेज नंबर 72, द वेजिटेबल वर्ड सर्च इज गिवन, देयर यू विल सर्कल ऑल दिस वर्ड. सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 72. Okay, now student, on page number 72, there is plantation of sapling given, where two pictures are been given. So, यहाँ पे उन्होंने दो pictures में हमें दिखाया है कि किस प्रकार से plantation किया जाता है. तो first picture में आपको दिख रहा है, वहाँ पे planting करने के लिए things, वस्तु, material की ज़रूरत है, वो उन्होंने लाया है. फिर वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की, जो material वो लेके वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं ताकि उसके अंदर हम प्लांट लगा सकते हो. तो फर्स्ट पिक्चर में वैसा दिख रहा है, और सेकंड पिक्चर में हमें दिख रहा है कि पाँच छः स्टूडेंट्स एक साथ आए, 5-6 स्टूडेंट्स हैव कम टुगेदर एंड दे आर प्लांटिंग अ प्लांट इन द होल दे हैव मेड. तो वहाँ पे 5-6 जन एक साथ आए हैं और जहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी वहाँ पे वो उसके अंदर वो प्लांट को लगा रहे हैं. सो In first picture, we can see they are working, they are digging out, and in second picture, they are planting
the plant in that hole. So in these two pictures, we can come to know that the students, the boy and the girl, the boys and girls are planting a plant. So yahan pe wo plantation kar rahe hai. Kiska? Sapling ka. To yahan pe wo plant sapling ka plantation kar rahe hai. Usko achhi tarah se laga rahe hai aur usko pani de rahe hai. So this is all about plantation of sapling. Students, on page number 73, there an activity is given where you have to look around carefully in your surrounding and match the leaves to its tree. तो यहाँ पे उन्होंने four leaves दिए हैं और उसके नीचे four plants दिए. तो आपको वो four leaves को carefully observe करना है और वो four leaves कौन से plant के हैं उसको match करना है. तो वहाँ पे ऊपर four leaves दिए और उसके नीचे four plants कौन से दिए? तो first plant is of papaya, second plant is of banana, third plant is of mango and last one is of rose. तो आपको वो leaves देखनी है. तो first plant का leaf कौन सा है? जो नीचे पपाया का दिया है उसका लीफ ऊपर में सेकंड पोजीशन पे, तो आपको मैच करना है. फर्स्ट पपाया जो प्लांट है उसका लीफ सेकंड वन है, तो आपको मैच करना है. फिर उसके नीचे सेकंड वन बनाना ट्री है, उसका लीफ ऊपर फर्स्ट में है, आपको दिख रहे वो लंबा वाला है. सो बनाना का फर्स्ट लीफ है, आपको उधर मैच करना है. उसके बाद मैंगो ट्री, मैंगो ट्री का लीफ सबसे लास्ट में है, ऊपर में सबसे लास्ट में है, तो आपको वहाँ पर मैच करना है. और रोज का थर्ड में है, तो आपको वहाँ पे मैच करना. सो यू विल कंप्लीट दिस मैच द फॉलोइंग इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 73. एज आई हैव डन सिमिलरली यू विल ऑल्सो कंप्लीट इट. ओके, नाउ स्टूडेंट ऑन सेम पेज, पेज नंबर 73, देर इज वन क्वेश्चन आस्क्ड वेयर यू हैव टू आंसर इट. विच इज द बेस्ट सीजन टू ग्रो सैपलिंग? कौन सा सीजन बेस्ट है जहाँ पे हम पौधे लगा सकते? यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. ये तीन मंथ है पर उन्होंने यहाँ पे सीजन पूछा है, तो ये थ्री मंथ आपको लिखने हैं. एंड दैट इज इन रेनी सीजन एंड विंटर. कौन से सीजन में? रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. तो आपको ये सब लिखना है ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो रेनी सीजन एंड विंटर सीजन में प्लांट्स लगाते हैं, सैपलिंग्स लगाते हैं. और कौन से मंथ में? दैट इज अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. अगस्त, September and October, that is in rainy and winter season we plant the sapling, and these are the best season to grow sapling. So you will complete this in your EVS combined book on page number 73. So students, I hope you have understood what we have learned in today's lecture. So let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about optional activities, where first we have saw about productive area, in which we have saw area of food, where we have started with first topic, that is kitchen gardening. A garden in which plants, vegetables or herbs for household use are cultivated is known as kitchen gardening. Then we have saw two types of picture, where we have saw various types of trees, different types of trees. Then we have done an activity where we have circled the vegetable that are being cultivated in kitchen gardening. Then we have done an activity where we were being asked a question that was named the different types of garden, and we have answered that was vegetable garden and fruit garden. Then on page number 72, we have done an activity again where we have find out the words, we have searched the vegetable names in a puzzle. We have searched, first word was brinjal, second one was peas, third word was, which was third word? Radish. Fourth word was potato. Fifth was pumpkin. Sixth was cucumber. Seventh one was beans. Eighth one carrot. Ninth one cabbage. And tenth one spinach. Then we have plantation of sapling, where we have saw two picture. In first picture they were digging out, and in second picture they were planting. Then we have done an activity on page number 72, where in first activity we have matched the leaves to their particular tree, that we have matched papaya tree to its leaf, banana tree to its leaf, mango tree to its leaf and rose plant to its leaves. Then we have answered a question that was which is the best season to grow sapling. So we have wrote August and September and October, that is in rainy and winter season. So students, I hope you have understood about this. Now students, it's a homework time. Abhi aapka homework.
So what is your homework? You will complete your EVS combined book page number 71, page number 72 and page number 73. तो आप आपके EVS combined book का कौन से page number complete करने वाले हैं? EVS combined book का page number 71 complete करने वाले हो, page number 72 complete करने वाले हो और page number 73 complete करने वाले हो. ये 3 pages आपको complete करने हैं. कंप्लीट करने के बाद आपको ये 3 पेजेस का फोटो निकालना है और मुझे भेजना है. तो ये 3 पेजेस आपका होमवर्क है. 3 पेजेस कंप्लीट होने के बाद आपको इसका फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. सो आई होप यू विल कंप्लीट इट. सो स्टूडेंट्स थैंक यू.